नमस्कार। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो 22 जनवरी को होने वाला है, वो अब इसका दिन काफी निकट आ चुका है। और इस बीच में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है, ऐसी खबरें आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में हिस्सा नहीं लेंगे। वो वहां रहेंगे और उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन वो मुख्य यजमान नहीं होंगे। इससे ठीक पहले आप याद कीजिए कि कुछ धर्म गुरुओं ने और शंकराचार्यों ने, संभवतः 2 शंकराचार्यों ने ये कहा कि इस जिस तरह से कार्यक्रम हो रहा है वो हिंदू रीति और शास्त्रीय परंपराओं के हिसाब से नहीं हो रहा है और हम नहीं जाएंगे और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें, और नरेंद्र मोदी उस मूर्ति को छुएंगे तो हम क्या वहां तालियां बजाएंगे, इस तरह की बातें शंकराचार्यों के द्वारा कही गई। अब इस मामले को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक तो इसकी एक सीधी सीधी सेकुलर व्याख्या हो सकती है, और भारत का वो सेकुलरिज्म नहीं बल्कि सेकुलरिज्म की जो शास्त्रीय फिलोसॉफिकल यूरोपीय व्याख्या है, उसके हिसाब से धर्म और राजकाज अलग अलग होना चाहिए। तो किसी भी राजकीय व्यक्ति को इस तरह के धार्मिक आयोजन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वो एक विचार है, लेकिन भारत में वो प्रभावी विचार नहीं है, क्योंकि भारत में राजकाज और धर्म का हमेशा से ही एक घालमेल या संबंध रहा है। इवन अगर आप भारतीय आजादी के समय की कहानी देखें, फ्रीडम एट मिडनाइट पढ़ें अगर, या और तमाम उस समय के अखबार और डिस्पैचेज पढ़ें, तो आप पाएंगे कि भारत की आजादी का पूरा समारोह ही एक धार्मिक कार्यक्रम के तौर पर हुआ था। उस दिन बकायदा, उस रात को बकायदा, शाम को यज्ञ हुआ था राजेंद्र प्रसाद के घर में, जिसमें सारे जो मंत्री थे वो वहां पर बैठे थे, और वहीं से वो संसद भवन जो अभी है वहां पर गए। नेहरू के घर पर बकायदा विभिन्न जगहों से आए हुए ब्राह्मण वहां पर, वो आए पुजारी, उन्होंने उनको नहलाया बकायदा, वो चंदन और ये सब अक्षत वगैरह जो डालते हैं वो सब डाला, बिल्कुल वो उनको एक धर्म दंड दिया गया, जो भी नरेंद्र मोदी ने धर्म दंड पकड़ा है उस तरह का एक धर्म दंड पकड़ाया गया, और पूरा वो एक धार्मिक आयोजन के तौर पर 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ। बल्कि 15 अगस्त की आजादी का जो कार्यक्रम है वो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को इसलिए हुआ क्योंकि 15 अगस्त का जो दिन था वो अशुभ दिन था ज्योतिषियों के हिसाब से। तो ज्योतिषियों की गणना के हिसाब से तय हुआ कि 14 और 15 अगस्त के बीच की रात को कार्यक्रम होगा, वरना तय कार्यक्रम के हिसाब से माउंटबेटन को अगले दिन उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, क्योंकि उससे पहले दिन वो पाकिस्तान के आजादी का कार्यक्रम वो करके आ रहे थे। ये पूरा जो मामला है ये भारत में राजकाज, देखिए आप जानते ही हैं कि कोई सरकारी बिल्डिंग बनती है तो उससे पहले भूमि पूजन होता है, बकायदा कोई अगर इवन युद्ध पोत भी अगर पानी में उतारना है तो उससे पहले वो नारियल फोड़ना, और तो ये आप जानते हैं कि भारत में किस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो गणेश वंदना या सरस्वती वंदना से होती है सरकारी कार्यक्रमों की। तो ये एक परंपरा है, घालमेल है, और ये कोई नरेंद्र मोदी के आने के बाद या वाजपेयी के बाद नहीं हुआ, कांग्रेस के समय से ये परंपरा चली आ रही है, सारे राज्य लगभग इसको फॉलो करते हैं, तमिलनाडु या कुछ थोड़ा बहुत अपवाद हुआ, लेकिन आमतौर पर ये परंपरा रही है। तो ये अगर परंपरा है तो इसके हिसाब से प्रधानमंत्री का अयोध्या के राम मंदिर कार्यक्रम में मुख्य यजमान बनकर जाने को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, खास करके उन लोगों के द्वारा जो खुद को फिलोसॉफिकली सेकुलरिज्म के साथ जोड़कर नहीं देखते हैं, जो फिलोसॉफिकली और आइडिया के तौर पर वेस्टर्न सेकुलरिज्म के आइडिया को फॉलो करते हैं, उनको तो लगेगा कि ये क्या हो रहा है इन दोनों के घालमेल में। लेकिन भारत का ज्यादातर जनमानस इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं जताता है कि धार्मिक आयोजनों में सरकारी व्यक्ति शामिल हो। इसका एक तरह से भारत का ये कॉमन सेंस है, ये एक नॉर्म है, नॉर्मल आइडिया है, नॉर्मेटिव आइडिया है। शंकराचार्य मुख्य रूप से जिस तरह से इस कार्यक्रम में का विरोध कर रहे हैं होने का, और नरेंद्र मोदी के वहां शामिल होने का या मूर्ति छूने का, मुझे लगता है कि ये एक गलत बात है। और यहाँ पर हम आज आपसे शंकराचार्यों की ऐतिहासिक भूमिका के बारे में संक्षेप में, बहुत डिटेल में नहीं, एक बातचीत करना चाहेंगे। जैसे कि शंकराचार्य का जो पद है, आदि शंकराचार्य से शुरू हुआ माना जाता है, विवाद है बहुत कुछ कि उनका जन्म कब हुआ, कम से कम 3 अलग अलग तारीख आती है। मोटे तौर पर जो सहमति बनती है वो 788 ईस्वी का समय आदिशंकर का समय होता है। लगभग भारत में उस समय ज्यादातर हिस्सों में बौद्ध शासन है, क्योंकि वो पाल वंश का शासन उधर पूरे उत्तर भारत में है, और बाकी और इलाकों में भी बौद्ध और हिंदू धर्म के बीच एक कंटेस्टेशन उस समय चल रहा होता है। बौद्ध धर्म थोड़ा ढलान पर है, राजकीय उसको संरक्षण मिलना कम होता है, लेकिन
दोनों चीजें साथ साथ वो चल रही होती है उस पूरे पीरियड में, इसलिए आप आएंगे उस पीरियड की बौद्ध मूर्तियां जो है पूरे भारत में, जमीन कहीं भी खोदने से आमतौर पर मिलती है, 700-800 ईस्वी शतक के आसपास की। तो बौद्ध असर जो है वो उसका जब मुछीन होना शुरू होता है और फिर से जो हिंदू और ऑर्थोडॉक्सी है वो खड़ी होती है, तो एक मध्य मार्ग के रूप में शंकराचार्य आते हैं और वो बौद्ध महायान परंपराओं से बहुत कुछ लेकर, बहुत सारे जो उनके आइडियाज हैं अगर आप पाएंगे तो वो बहुत मिलते जुलते आइडियाज हैं। वो सोशवाद का नकार है उसमें, अहम ब्रह्मास्मि है कि व्यक्ति और जीवात्मा और जो परम ब्रह्म है उसके बीच द्वैत नहीं है, डुअलिज्म नहीं है। तो ये आइडिया के तौर पर बहुत सारा सारी चीजें शंकराचार्य लेकर आते हैं, तत्वमसी का आइडिया वो लेकर आते हैं। तो ये सारे आइडियाज उस दौरान आप पाएंगे कि आता है वो, जिसे जगत जो है वो, जो द्वैत है वो कहता है कि जगत जो है वो अलग चीज और जो एक ब्रह्म है वो अलग है, जबकि इसमें उन दोनों डुअलिटीज को ये नहीं मानते हैं और अद्वैत को शंकराचार्य प्रोफेस करते हैं। तो ये चूंकि मेरा विषय भी नहीं है, बहुत मैं आमतौर पर अपने टेक्स्टुअल रीडिंग से मैं बोल रहा हूँ, मुझे मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूँ। आप इस विषय के जो जानकार हैं उनसे पूछें कि अद्वैत क्या है, तो इसको हम छोड़ भी देते हैं अभी। हम सिर्फ इसकी शंकराचार्य के समय, फिर उनके आने के बाद के समय की पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं। तो देखिए लगभग यही समय है जिस समय आपको पाएंगे कि भारत में एक तरह से मुस्लिम आक्रमण शुरू होता है। मीर कासिम उसी समय सिंध वगैरह पर कब्जा कर लेते हैं, राजा दाहिर को हराते हैं। उसके थोड़े समय के बाद मोहम्मद गोरी, और फिर उसके बाद एक पूरी परंपरा आपको देखेंगे कि न जो दिल्ली सल्तनत है जिसमें कि तमाम तरह के उनके जो का राजवंश है वो शासन करते जाते हैं, जो 1526 में जाकर फिर मुगल शासन के तौर पर आता है। मुगल शासन जिस समय आता है लगभग ये वही समय है जिस समय की चार मठ स्थापित होते हैं, चार देश के कोने में शंकराचार्य के परंपरा से, और वो अपना फिर जो भी धार्मिक कार्य वगैरह करते हैं। लेकिन शंकराचार्य का जो अद्वैत मत है इसकी हिंदू समाज में बहुत ज्यादा व्याप्ति नहीं है, क्योंकि जो हिंदू समाज है मुख्य रूप से वो देवी देवताओं की पूजा करता है और वो 33 करोड़ या 33 प्रकार के, दोनों तरह की व्याख्या है, 33 कोटि देवताओं की वो जो परंपरा है, उस परंपरा का ये देश है। अगर हिंदू देश है जहाँ पर हिंदुओं का जो देश है, मतलब एक तरह से हिंदुओं का देश है या देश के जो हिंदू हैं, दोनों को आप उस तरह से देख सकते हैं। जैसे अगर वो हिंदुत्व परंपरा के हिसाब से देखें, सावरकर आइडिया के हिसाब से, तो ये हिंदू राष्ट्र है, और अगर आप अन्य परंपराओं के हिसाब से देखें तो इस देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं। तो दोनों ही परंपराओं के हिसाब से इस देश के जो हिंदू हैं वो द्वैत परंपरा के हैं, वो मध्वाचार्य रामानुजाचार्य वगैरह की जो परंपरा है जिसमें कि जो जीवात्मा है और ईश्वर है दोनों के बीच में द्वैत है, दोनों अलग 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 चीजें हैं, जो जगत है वो और जो ब्रह्म के पास जाना है, तो एक उसकी एक जर्नी की जो व्याख्या है वो एक अलग व्याख्या है। तो ये वेदांत का जो अद्वैत वेदांत है इसके शंकराचार्य इस परंपरा के हैं, और इसमें ज्यादातर हिंदू उस परंपरा को मानते नहीं है। शंकराचार्य हिंदुओं के धर्म गुरु हैं, एक बहुत रूढ़ तौर पर आसानी से कह दिया जाने वाला वाक्य है इसका, कि दरअसल कोई मतलब नहीं है। शंकराचार्य की परंपरा के हिंदू इस देश में गिने चुने भी आपको नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं लगता है कि उनकी संख्या लाख में भी होगी, जो शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा को मानते हैं, वैसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। तो खैर जो ये भी है इसको भी आप छोड़ दीजिए। तो शंकराचार्य की जो पॉलिटिकल अगर उस उनका असर देखें, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन धर्म और राजनीति हमेशा साथ साथ चलने वाली चीज है, सारी दुनिया में चलता है। तो पोप और रोमन एम्पायर साथ साथ चला एक समय के बाद आप देखेंगे, या जो खलीफा है तुर्की के और इस्लाम साथ साथ चला, हिंदू धर्म में भी यहाँ के राजाओं में भी उसी तरह की परंपरा रही है। तो इस पूरे पीरियड में शंकराचार्य को अगर आप देखें तो वो कहीं पर भी हिंदू धर्म को एक उसकी कोई ऐसी व्याख्या जिसमें कि हिंदुओं की एकता कायम हो और उसके अंदर के जो विभेद हैं जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर जो समस्याएं हैं, इसके समाधान का कोई रास्ता कभी शंकराचार्य नहीं सुझाते हैं, बल्कि
शंकराचार्य अक्सर हिंदू धर्म के अंदर होने वाले आंतरिक सुधारों के भी खिलाफ खड़े होते हैं। हिंदू कोड बिल के खिलाफ बकायदा द्वारकापुरी के शंकराचार्य उस आंदोलन में शरीक हुए हिंदू कोड बिल के खिलाफ, जिसके जरिए हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिला, या जो आपको मंदिर प्रवेश का आंदोलन हो, इस पर भी उनकी कोई पॉजिटिव उनका भी कोई कभी भी वो पॉजिटिव नहीं रहे। सती के खिलाफ कभी भी उनका कोई उन्होंने कोई हिंदुओं को अपील की कि भाई नहीं, सती को नहीं, था एक बुरी प्रथा है, मत कीजिए, ऐसा कभी भी कभी नहीं देखा गया। वो मंदिर प्रवेश का इतना लंबा चौड़ा आंदोलन चला, वो वैकुंठ सत्याग्रह से लेकर कलाराम टेम्पल और इतना कुछ हुआ, कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम हिंदुओं के लिए हिंदू मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाएं, ये भी वो नहीं कह पाए। और हिंदू धर्म के अंदर में तमाम, और विधवा विवाह का निषेध था तो विधवा विवाह होना चाहिए, ये कभी उन्होंने ही नहीं कहा। जब ये पहली बार ये तय करने की कोशिश की गई कि शादी की कोई एक उम्र तो मिनिमम होनी चाहिए, ये 6 साल 7 साल की लड़कियां कैसे शादी कर रही हैं, उसकी एक उम्र जब तय करने की कोशिश हुई 11 साल या फिर 13 साल, ऐसे ऐसे करते हुए 18 21 तक मामला आया, जो आप देखेंगे इसमें भी कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हिंदुओं में शादी की एक उम्र होनी चाहिए। तो ये सारा जो हिंदुओं का आंतरिक सुधार आंदोलन है, इसमें शंकराचार्य की कभी कोई भूमिका नहीं रही है। और ये बताता है कि हिंदू धर्म के साथ शंकराचार्यों का एक भयानक तरीके का डिस्कनेक्ट है। अलग अलग तरीके से चलने वाली परंपराएं हैं, शंकराचार्य की परंपरा और हिंदू परंपरा। हिंदू परंपरा अपना लगातार परिष्कार कर रही है, बहुत सारे सुधारों के कार्यक्रमों में जा रही है। आप देखेंगे कि जैसे आरक्षण का प्रावधान जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आता है, विरोध करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, सारे लोग उसमें समर्थन में खड़े होते हैं। तो ये इस तरह के कुछ सुधार बहुत से आम राय से भी जब पारित हो रहा है, तो शंकराचार्य देखिएगा आप कई बार उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई इनका तालमेल नहीं है। हिंदू धर्म के मंदिरों में यजमान के तौर पर एक ओबीसी का आदमी जाए और इन ओबीसी मूर्ति को छुए, इसका विरोध करना किसी भी तरह से हिंदू धर्म के हित में नहीं है। और शंकराचार्य की भूमिका इस मामले में निश्चित रूप से मुझे लगता है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ डिस्कनेक्ट है अपना, जो विच्छेद है जो हमेशा था, उसको उन्होंने अब और बढ़ा लिया है। और ये शंकराचार्य संस्था जो है, इसके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ये शुभ बात नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म में होने वाले इन परिवर्तनों के साथ खुद को नहीं जोड़ा, बल्कि वो ऑर्थोडॉक्सी की और या पुरातन पंथ की उस जगह पर खड़े हैं जहां से पूरा हिंदू धर्म निकल कर आगे आ चुका है, वो वहां से आगे बढ़ चुका है, लेकिन वो कहीं किसी पुराने छोर पर पड़े हुए हैं, या फिर उनको मतलब नहीं है वो क्या रहा है, उनको लेना ही देना नहीं है कि सती इस देश में है और सती खत्म हो रही। इस पूरे पूरे चर्चा के दौरान शंकराचार्य आपको कहीं नहीं नजर आएंगे, विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए इस पूरी चर्चा में कहीं नहीं नजर आएंगे वो, जाति का विनाश होना चाहिए इसको लेकर पिछले 40 50 60 साल से, बल्कि 100 साल से इतनी बड़ी बहसें चल रही हैं, साहू जी महाराज से लेकर फूले और ये सब के दौरान शंकराचार्य कहीं नहीं। कबीर और रैदास जिस समय भक्ति का आंदोलन और फिर क्रांतिकारी भूमिका लेते हैं गुरु रविदास, और ये इस दौरान भी आपको शंकराचार्य इस बहस के दौरान कहीं किसी छोर पर नहीं है, ना इस तरफ है ना उस तरफ है। एक्चुअली एक एलूफनेस जो है कि हमें क्या लेना देना है और हमें क्या लेना देना है पर भी नहीं टिकेंगे, अगर कोई सुधार होता हुआ दिखेगा तब वो हस्तक्षेप करेंगे सुधार के खिलाफ। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि पूरे हिंदू समाज के साथ शंकराचार्य ने अलग थलग कर लिया है, और ये अलग थलग होना इस बार और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अगर ये करने जा रहे हैं तो आप समय के साथ, आपका कोई तालमेल नहीं है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। तो इस पर मुझे लगता है, पता नहीं शंकराचार्य तो फिर क्या ही विचार करेंगे, उनको जबकि लेना ही देना नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के वो गुरु हैं जो लोग कह रहे हैं, और ऐसा समय आ गया है कि राजनीतिक विरोध के लिए वो लोग शंकराचार्य के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं जिनका शंकराचार्य के विचारों के साथ कोई लेना देना नहीं है। शंकराचार्य आरक्षण विरोधी हैं, शंकराचार्य जाति व्यवस्था के वो इंडोर्स करते हैं, शंकराचार्य हिंदू धर्म में होने वाले सुधारों और बदलाव के कम से कम पक्ष में तो खड़े नहीं ही होते हैं, उनके साथ लोग खड़े हो जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको राजनीतिक विरोध करना है। तो राजनीति को वहां पर नहीं पहुंचना चाहिए मुझे लगता है।
साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।